हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा ब्लॉग्स और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने मेरे मेन चैनल चोपड़ा एजुकेशन पर MBBS के ड्यूरेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें बताया था कि MBBS कोर्स के 4 महीने कम हो चुके हैं। ये पहले 54 मंथ का हुआ करता था, यानी 4 साल 6 महीने का होता था। इसको 2019 से 54 महीने से कम करके 50 महीने का कर दिया है। पूरा शेड्यूल भी बताया था, इवन इंटर्नशिप का भी शेड्यूल बताया था। मैंने ये भी बताया था कि जो अभी 2019 का बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त 2019 से जो बैच स्टार्ट हुआ था, उसका फाइनल MBBS का एग्जाम जनवरी 2024 में हो जाएगा। अभी जो आप ये अमर उजाला का न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें लिखा है अब 10 साल में पूरा करना होगा MBBS कोर्स, बदले कई और नियम, यहाँ से लें पूरी जानकारी। तो इसी को देख के स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें सही लिखा है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। MBBS कोर्स तो 4 साल 2 महीने का ही है, मगर इसको 10 साल में पूरा करना होगा। मतलब यह है कि 2019 से पहले आपको फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम पास करना होता था, उसके बाद आप MBBS की डिग्री कभी भी पूरी कर सकते थे। मगर अभी इसका टाइम लिमिट कर दिया है, यानी अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम में फेल होता है तो उसको 4 साल के अंदर उसको फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम पास करना होगा। तो इसका मतलब यही हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट MBBS के लिए 2019 में इनरोल होता है तो उसको 2028 तक MBBS एग्जाम पास करना अनिवार्य है, तभी उसको डिग्री मिलेगी, अन्यथा वो डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जो स्टूडेंट हर प्रोफेशनल एग्जाम में पास हो जाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका MBBS 4 साल 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि अब MBBS की स्टडी 10 साल करनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।